युवाओं से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट नौकरी भी अपना एक अंतिम स्टेज नहीं होता है, रोजगार भी है, सब कुछ है, छोटे मोटे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मेहनत करें हम और अच्छी जिंदगी जिए, यही मेरी युवाओं से अपील है। कल 8:30 करीबन सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से रिको थाना पर कि एक युवक ट्रेन के आगे आने से कटने से उसकी कटा है। तो मैंने मौके पे आईओ को भेजा था, जहाँ से बॉडी को मोर्चरी रूम में शिफ्ट करवाया था। अभी परिजन आए हैं, बच्चे की युवक की पहचान खेताराम नामक युवक के रूप में हुई है, जो सदरी निवासी है, और परिजन अभी यही है मोर्चरी में रिपोर्ट दे रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी ऐसा कोई प्राइमरी फेसर नहीं आया, वो जांच में जैसा भी होगा हम जांच कर रहे हैं उसके बारे में। अभी परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद में जो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चा तरुण स्कूल के पीछे रूम ले रखा था किराए पे, वहाँ रह के पढ़ाई कर रहा था। तो सुनने में आ रहा है उसने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पर, वो भी इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है जो क्या आगे बढ़ता है क्या करता है। सर जो पढ़ाई का जितना दबाव लेके कुछ युवा ऐसे जो नौकरी नहीं लगने की वजह से या कुछ ऐसा कर लेते हैं, उनके लिए क्या अपील करेगी? मैं युवाओं से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट नौकरी भी अपना एक अंतिम स्टेज नहीं होता है, रोजगार भी है, सब कुछ है, छोटे मोटे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मेहनत करें हम और अच्छी जिंदगी जिए, यही मेरी युवाओं से अपील है।